safeguard against malware, keeping ourselves safe from malware and viruses is mostly in our hands. अब देखें कि ये सारे तमाम तर जो प्रॉब्लम्स हैं, जो वायरसेस हैं या ऐसे थ्रेट्स हैं हमारे सिस्टम के लिए, उनसे किस तरह से महफूज रहना है, कैसे हिफाजत करनी है, ये हमारे अपने हाथ में इस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं हम अपने माइंड से, केयर से. मोर देन 90% ऑफ कंप्यूटर्स आर इन्फेक्टेड ड्यू टू द यूजर्स मिस्टेक. ठीक है, मोस्टली क्या होता है, 90% जो वायरस प्रॉब्लम आती है कंप्यूटर्स के अंदर वो हमारी अपनी मिस्टेक की वजह से आती है. यानी जो ऑटोमेटिक खुद कहीं से अटैक हो जाए, प्रॉब्लम आ जाए, वायरस आ जाए, वो सिर्फ 10% उसका तो रेशियो है, तो बहुत कम है. तो 90% इसका ये मतलब है कि 90% थ्रेट्स को हम अपनी पर्सनल केयर की वजह से और ध्यान की वजह से खुद रिकवर कर सकते हैं, उस थ्रेट को ख़त्म कर सकते हैं. तो सिर्फ 10% यानी माइनर सा रेशियो जो बाकी रहता है फिर. Our computers have caught a virus if they start slowing down. अच्छा, सबसे पहले यानी कि कैसे हम पहचानना शुरू कर सकते हैं, डिटेक्ट कैसे करते हैं, क्योंकि जब वो वायरस एंटर होता है तो फिर तो हमें पता नहीं चलता, लेकिन उसकी जैसे कुछ निशानियाँ होती हैं. जैसे अगर नॉर्मल हम कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं, वर्किंग कर रहे हैं, अचानक इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो हो जाए, वर्किंग बहुत ज़्यादा हद तक ना, मतलब प्रोसेसिंग इतनी नमाया चेंज हो जाए टाइमिंग, कि हमें महसूस हो कि हाँ ये तो स्लो काम हो रहा है बहुत, पता नहीं क्या वजह है. तो पहली तो इसकी ये है कि स्टार्ट जब लेता है तो वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता हो. ठीक है, इफ़ दे स्टार्ट स्लोइंग डाउन, ठीक है, बिहेव अनयूजुअली. यूजली जैसे रूटीन में कंप्यूटर रिस्पॉन्ड कर रहा होता है, वर्किंग कर रहा होता है, उससे चेंज हो. फिर क्रैश ड्यूरिंग प्रोसेसेस और रीस्टार्ट सेवरल टाइम. ठीक है, कभी प्रोसेसिंग करते करते विंडोज़ या जो पेज है हमारा वो क्रैश हो जाए, सही है. इसके अलावा यह है कि रीस्टार्ट हो, खुद बहुत ही बार बार रीस्टार्ट होना शुरू हो जाए, कभी इस तरह हो, या फिर शो अनोइंग मैसेजेस एंड सम ऑफ आवर डॉक्यूमेंट्स डिसअपीयर और बिकम इनएक्सेसिबल. बाज़ुकात इस तरह हो कि कोई बार बार मैसेज अलर्ट्स आ रहे हैं, ठीक है, जिससे हम इरिटेट हो रहे हो. ठीक है, फिर इसके अलावा कुछ डॉक्यूमेंट्स हमारे इस तरह के होंगे वो ओपन नहीं हो, फाइल्स हैं अपने डाटा वगैरह सेव किया हुआ, हम उसको खोल रहे हैं वो खुल नहीं रही, और फिर कुछ दिन के बाद या कुछ फाइल्स ऐसी हैं जो बिल्कुल डिसअपियर हो जाएं. जैसे कभी अच्छी वाली फाइल्स होती हैं, अगर वो करप्ट हो जाए तो फिर क्या होता है कि विंडो कैन आउट कभी ऐसे भी शो हो जाते हैं कि अगर हम उसके ऊपर पॉइंटर करेंगे या इसको ओपन करने की कोशिश करेंगे तो वो आ जाएगा कि विंडो कैन नॉट ओपन दिस फाइल. ये दो सूरतों में होता है कि एक तो यूजुअली कॉमन जो ज़्यादा वो इस तरह है कि अगर उस फाइल को ओपन करने के लिए सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड नहीं है, इस वजह से उस फाइल को ओपन नहीं कर रहा. तो जब प्रोग्राम इंस्टॉल हो जाएगा देन वो फाइल भी ओपन हो जाएगी. ठीक है, जैसे कोई ड्राइंग की फाइल हो तो अगर कैड ऑटोडेस्क ऑटोकैड सॉफ्टवेयर हमारे पीसी में इंस्टॉल्ड है तब पॉसिबल है कि वो कैड की फाइल ओपन हो, नहीं तो पीडीएफ उसका, अगर पीडीएफ रीडर है तो पीडीएफ ओपन हो जाएगा. सही, वर्ड फाइल है इसके लिए ऑफिस एमएस वर्ड का ऑफिस होना इसमें इंस्टॉल होना ज़रूरी है, वर्ड प्रोसेसर वगैरह, तब पॉसिबल होगा. सही, इसके अलावा कभी ऐसे भी होता है कि सारी फाइल्स, क्योंकि वन टाइम ये एक्सपीरियंस मेरे साथ भी हुआ कि यूएसबी की वजह से, यूएसबी में कोई वायरस था, उसके थ्रू मैंने कुछ फाइल्स सिस्टम में डाली तो सारी की सारी फाइल्स जो है ना, इतनी सारी बिल्कुल ठीक थी, उसके बाद देखा कि वो ऐसे ही कि विंडोज़ कैन नॉट ओपन दीज फाइल्स, सारी फाइल्स सारे डाटा के ऊपर गई है. तो ऐसा भी हो सकता है, पॉसिबल. ठीक है, अब यह है कि बाज़ुकात इस तरह होता है कि हम एक्सेस नहीं कर पाते फाइल्स को, ओपन नहीं कर पाते. वी मस्ट अवॉइड दिस सिचुएशन टू बी क्रिएटेड. तो इस तरह की सिचुएशन ना हो इसलिए हमें एहतियात करनी चाहिए. सम सिंपल मेजर्स कैन प्रिवेंट आवर सिस्टम फ्रॉम मालवेयर एंड वायरसेस. कुछ आसान और छोटी छोटी एहतियाती तदाबीर हैं जो कि इस चीज़ को रोक सकती हैं, यानी कि इस किस्म की प्रॉब्लम्स को ना हो हमारे सिस्टम में, इसको सेटल कर सकती हैं. तो हम देखते हैं कि वो ये जो इकदाम हैं ज़रूरी हैं, एहतियाती इकदाम वो कौन से हैं. देखिए कि सबसे फर्स्ट स्टेप पे लिखा हुआ है कि इंस्टॉल एंटीवायरस सॉफ्टवेयर एंड कीप इट अपडेटेड. आप अपने कंप्यूटर में, अपने पीसी में
जरूर जरूर एंटीवायरस इंस्टॉल करवाएं, ठीक है? अगर नहीं है तो करवाएं, अगर ऑटोमेटिक है तो अच्छी बात है, और इसको अपडेट करते रहें रेगुलर बेसिस के ऊपर, सही? देन नेक्स्ट स्टेप पे है कि रन स्केड्यूल्ड स्कैन्स रेगुलरली विद योर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की मदद से आप रेगुलर बेसिस के ऊपर कंप्यूटर स्कैनिंग करते रहें, सही? फिर कीप योर ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेटेड। आपकी जो विंडोज़ है, यानी कि जो कोई जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज़ कर रहे हो, उसको भी अपडेट होना चाहिए, सही है? डू नॉट क्लिक ऑन इंटरनेट लिंक्स विच हैव अनयूजुअल लेबल्स, इमेजेस और कैप्शंस, ठीक है? यानी गैर ज़रूरी चीज़ों को फजूल में, जो आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है, अभी कहीं से कोई विंडो, कोई बटन आ गया, कोई छोटा सा लिंक आ गया, उसको आपने क्लिक नहीं करना। कुछ अनवांटेड इमेजेस आ गए, कैप्शंस वगैरह, उसको आपने बिल्कुल ध्यान नहीं देना, आपका उससे कोई मतलब नहीं। फजूल बिल्कुल ये इधर उधर से आई हुई चीज़ों को आप क्लिक करेंगे तो खामा में उसमें 80% इस तरह की चीज़ें होती हैं, 70% के इनमें कोई प्रॉब्लम या वायरस वगैरह, आप उन चीज़ों को नहीं क्लिक करो। डू नॉट ओपन ईमेल अटैचमेंट्स और क्लिक ऑन हाइपरलिंक्स फ्रॉम अननोन सेंडर्स। ईमेल के अंदर, ईमेल अटैचमेंट्स के अंदर बहुत ज़्यादा केयर की जरूरत होती है, ठीक है? तो जब भी मेल आपके पास आए, अटैचमेंट ओपन करने से पहले आप देख लो कि मेल आपको कहाँ से आई है, अननोन है पर्सन या फिर कोई जैसे कि अजीब सा उसका ईमेल, प्रॉपर ईमेल एड्रेस नहीं है, रॉन्ग फॉर्मेट में कुछ हो रहा है, आपको कुछ लगे शक हो कि भाई कुछ मुझे थोड़ा स्ट्रेंज सा लग रहा है, तो आप इसको अवॉइड करें, कोई हाइपर लिंक को भी क्लिक करने से अवॉइड करें। दैन स्कैन USB फ्लैश ड्राइव, SD कार्ड्स एंड मोबाइल फोन्स बिफोर ओपनिंग। जब कभी भी ओपन करने से पहले, ऑपरेट करने से पहले, आप USB फ्लैश ड्राइव को, SD कार्ड्स वगैरह को, मोबाइल फ़ोन को आप स्कैन कर लें, ठीक है? वायरस डिटेक्शन के लिए, तो एंटीवायरस के थ्रू आप इसकी स्कैनिंग कर लें। यूज़ योर स्पैम ब्लॉकिंग और फिल्टरिंग टूल्स टू ब्लॉक अनसॉलिसिटेड ईमेल्स, इंस्टेंट मैसेजेस एंड पॉपअप्स, ठीक है? आप ये ऑप्शन लगा लें अपनी मेल पे, जैसे स्पैम्स को ब्लॉक करना है या फिल्टर करने का कोई टूल वगैरह उसको, या फिर जो गैर ज़रूरी दूसरी अननोन ईमेल्स होती हैं उनको ब्लॉक करने के लिए, यानी ऑटोमेटिक। इस टूल का मकसद ही ये होगा कि ये जो थ्रेट्स वाली चीज़ें हैं या फाइल्स या डाटा, उसको एंटर नहीं होने देगा। ओनली डाउनलोड फाइल्स एंड प्रोग्राम्स फ्राम ट्रस्टेड सोर्सेज ऑन द इंटरनेट। कुछ भी आपने इंटरनेट से डाउनलोड करना हो तो आप उन साइट से डाउनलोड करें जिनकी आपको इन्फॉर्मेशन हो, जो आपने अपने एक्सपर्ट टीचर से या किसी बड़े से या टेक्नीशियन से पूछा हो, कंसल्ट किया हो, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह या फिर ऑफिशियल पेजेस। हमेशा कोई चीज़ सर्च करते हैं, ट्रस्ट करते हैं या फिर डाउनलोड करते हैं, उसकी पहले तो हमें पता हो कि ये साइट सही है, फिर सेकेंडली कि उस साइट की जो ऑफिशियल वेबसाइट होती है ना, ऑफिशियल पेज, वहाँ से करना चाहिए उसको। नेवर यूज एन ओपन वाईफाई, ठीक है? ओपन वाईफाई से ये मुराद है कि जिसका हमें नहीं पता, तो जब तक हम नेटवर्क को जानते हैं पूरी इंफॉर्मेशन उस हिसाब से, यानी एहतियात में है ना, एहतियाती तदाबीर में केयर करने के लिए, सही? तो इन स्टेप्स को, ये कुछ कॉमन स्टेप्स हैं, इन पे इनको फॉलो करने से हम ये जैसे इस तरह के जो थ्रेट्स हैं ना, जैसे कि वायरसेस वगैरह एंटर हो गए इस तरह, ये वो, उसे हम महफूज रह सकते हैं, अपने सिस्टम को महफूज रख सकते हैं और खुद अपने आप को टेंशन से महफूज रख सकते हैं। नेक्स्ट है जी कीपिंग द बैकअप ऑफ डाटा। बिसाइड्स दिस, इसके अलावा वी शुड ऑल्सो टेक सम मेजर्स टू रिकवर डाटा फ्रॉम एनी पोटेंशियल लॉस। सम स्टेप्स इन दिस रिगार्ड आर, डाटा को, डाटा बैकअप के लिए हमें क्या करना चाहिए? क्रिएट अ सिस्टम, रिस्टोर पॉइंट रेगुलरली एंड चेक इफ इट इज नॉट डिसेबल्ड। एक रिस्टोर पॉइंट को हम सेटल कर दें सिस्टम में, जिसको हम रेगुलर बेसिस के ऊपर चेक भी कर लें। Write important data on CDs or DVDs. Since they are write protected, they do not catch viruses. And have the backup of important files at more than one place. ठीक है? और मतलब कि डेटा वगैरह को आप ध्यान से सेव कर लो, सेवाइज कर लो, उसको डी ड्राइव में रखो, उसको CD DVDs में राइट डाउन कर लो। राइट का मतलब यही होता है कि उसमें सेव करना, ठीक है? CD राइट। इसके अलावा फाइल्स को आप, इम्पोर्टेंट फाइल्स को आप ज़्यादा लोकेशंस में सेव करो, इसको ड्राइव में डाल दो,
गूगल ड्राइव में डाल दो और क्या कहते हैं मेल्स में आप रख दो जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और सिस्टम के अंदर भी जो डिफरेंट लोकेशंस हैं उनमें आप सेव कर दो, अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो तो कहीं से इंफॉर्मेशन या फाइल्स मिल जाएंगे। ठीक है, यू कैन ऑल्सो सेव डॉक्यूमेंट्स ऑन क्लाउड स्टोरेज लाइक गूगल ड्राइव एंड माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव। ये दोनों ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे आप अपने डॉक्यूमेंट्स और डाटा वगैरह स्टोर कर सकते हो परमानेंटली। जो आप यूज़र नेम यानी कि आप उसके ऊपर अकाउंट बनाते हो तो आपके यूज़र नेम और पासवर्ड के साथ वो वर्किंग करेगा आपकी आईडी पे, तो ड्राइव में ठीक है, और वन ड्राइव में, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव, इन दोनों में आप स्टोरेज रख सकते हो डेटा सेव करने के लिए। इसके अलावा आप यूएसबी में भी अपनी इम्पोर्टेंट फाइल्स को कॉपी कर सकते हो, ठीक है, ताकि सिस्टम में कभी कोई प्रॉब्लम हो जाए तो पूरा पूरे का पूरा डाटा फिर उड़ जाता है। ठीक है, तो एटलीस्ट जो ज़रूरी डाटा है या उसकी कॉपीज हैं आपके पास मौजूद हों सीडी में, डीवीडी में और यूएसबी। अभी तो यूएसबी का ज़्यादा ट्रेंड है, उसमें भी डाटा की कॉपीज होती हैं। तो आप ये कोशिश करें कि जस्ट ये नहीं हो कि आपने सिर्फ एक ही लोकेशन पर डाटा सेव किया हुआ। ये भी एक अच्छा वे है कि आप मेल में रखते जाओ, क्योंकि ईमेल एड्रेस तो इस तरह का होता है कि उसका डिवाइस तो नहीं, किसी भी 10 डिवाइसेस पे हम ओपन करेंगे तो जो कुछ उसके अंदर है उसमें आप उसको ओपन कर सकते हो। नेक्स्ट SLOs हैं, डिस्क्राइब दी ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म। मैकेनिज्म क्या होता है और लिस्ट आउट दी डिफरेंट ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म। तो ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म की कुछ लिस्ट या कुछ टाइप्स के बारे में बताइए। फिर डिफरेंशिएट बिटवीन यूज़र नेम एंड पासवर्ड। पासवर्ड यूजर में क्या फ़र्क होता है, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या होता है, एंड बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म क्या होता है। इन चीज़ों को, इन टॉपिक्स को जानना, ये टॉपिक्स आपने प्रिपेयर करने हैं। लेट्स डिस्कस। थैंक यू फॉर लिसनिंग।